नमस्कार, मैं हूं अमित सूर्यवंशी। इस वक्त हाजिर हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए सिर्फ पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज पर। डीएम एसपी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में व पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते शारदा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। शारदा नदी का पानी कई गांवों में जा घुसा है। इसी के मद्देनजर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसपी रामलाल वर्मा, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता वीके सिंह, एसडीएम एस सुधाकरण व तहसीलदार सहित 20 सदस्यों की टीम ने बाढ़ग्रस्त थाना भीरा क्षेत्र के ग्राम देसरा टांडा, थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र के महंगापुर परसपुर मार्ग व थाना पलिया क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा बाढ़ प्रभावित लोगों से वार्ता कर उनका हाल जाना। डीएम व एसपी ने राहत कार्य हेतु संबंधितों को दिशा निर्देश भी दिए। ज्ञात हो कि शारदा नदी की तेज लहरों को देख ग्रामीण काफी भयभीत हैं, उनकी फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो चुकी हैं। पलिया चीली मिल रोड व नगला रोड पर भी पानी चलने लगा है, जिसके चलते नदी के आसपास बसे गांवों में मुसीबत खड़ी हो गई है। पंकज पुत्र रतन सिंह को रात्रि करीब 8 बजे मजरे जाते समय लीलावती मंदिर से पहले मोड़ पर बदमाशों ने गोली मारकर किया घायल। गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय पहुंचाया। पीड़ित से मिली जानकारी के अनुसार पंकज सिंह ने बताया कि पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने दो नैनो बांध रखा था और वहाँ पहुँचते ही हमला कर दिया। पंकज सिंह के ऊपर गोली चला दी और गोली लग गई। राहगीरों से जिला अस्पताल में पहुंचाया। इश्क की भनक लगते ही एसपी रामलाल वर्मा जी, एडिशनल एसपी हरिदास चौरसिया, चौकी इंचार्ज जेल गेट जेपी यादव सिंह दल बल के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। अब पंकज सिंह से पूरी जानकारी ली। पंकज सिंह ने बदमाशों का हुलिया कप्तान साहब को बताया। समाचार लिखे जाने तक पंकज सिंह का इलाज जारी था। इसी तरह खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।